हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी का स्वागत है YDS एपिसोड नंबर 87 में। दोस्तों आज के टाइम पे जो है हर एक बंदा जो है UPI पेमेंट्स करते होगा एंड वहाँ पे आपको कैशबैक भी मिलता है एंड बहुत सारे लोग जो है रिवॉर्ड्स कैशबैक एंड रेफर से जो अच्छी खासी अर्निंग भी करते हैं। एक्चुअली क्यों जो है सारी एप्लीकेशन हमें कैशबैक देती है, रिवॉर्ड्स देती है, इसके पीछे क्या रीजन है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा कैशबैक और रिवॉर्ड्स और रेफर्स हमें जो है अच्छी खासी अर्निंग UPI पेमेंट्स जो है दिलाती है। अब आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जब भी हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं उससे हमें काफी अच्छा खासा कैशबैक मिल जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि हमें जो यहाँ पे UPI के थ्रू कैशबैक मिलता है, तो एक्चुअली ये गलत है क्योंकि UPI जो है सिर्फ और सिर्फ एक पेमेंट ऑफ इंटरफेस है जो गवर्नमेंट के थ्रू लाया गया है, जिससे जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। एक्चुअली कैशबैक हमें कौन प्रोवाइड करता है, जो सारी UPI एप्लीकेशन होती है, लाइक अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ पेटीएम, जीपे, फोन पे एंड फ्री चार्ज, मोबीक्विक और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें हम जो ऑनलाइन पेमेंट कर पाते हैं। अब ये सारी एप्लीकेशन जो अपने यूजर्स को कैशबैक देती है, एक्चुअली क्यों जो है देती है और कहां से देती है वो मैं आप सभी को बताता हूं। अगर मैं कैशबैक, रेफर और यहाँ पे रिवॉर्ड्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो है ये सारी कैटेगरी जो है एडवर्टीजमेंट के अंदर आती है। अब हर एक कंपनी का जो है एक अलग बजट होता है एडवर्टीजमेंट के लिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ पेटीएम की, फोन पे की, तो इनका एक बजट होता होगा पर्टिकुलरली जिसमें जो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे इतना खर्चते हैं लोग या फिर कैशबैक पे खर्चते हैं, तो यहाँ पे जो है इनका पर्टिकुलर बजट होता है जिसको जो है यूजर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। अब एक्चुअली क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे, सबसे पहला रीजन जो है टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर। अब ऑब्वियसली जहां पे हम सबसे ज्यादा इजिली देखेंगे चीजें, सस्ती होगी चीजें, ज्यादा में पैसे वापस मिलेंगे तो वो हम ज्यादा यूज करेंगे। ज्यादा कस्टमर जहां पे आएंगे तो कंपनी को उतना ही फायदा होगा, एक्टिव यूजर्स होंगे, ज्यादा उनको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, एडवर्टीजमेंट मिलेंगे, आगे जो है और सर्विसेज एक्सटेंड होगी, तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है उतना ज्यादा जो इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। अब एक्चुअली ये सारी एप्लीकेशन एट प्रेजेंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती, लेकिन होप्स बहुत जल्दी जो है, अभी कोई कंफर्म नहीं है लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बोला जा रहा है कि जो भी हम UPI पेमेंट करते हैं, जो भी बड़ी UPI पेमेंट्स होगी 50-60 हज़ार की, 1 लाख की, 2 लाख की, उसमें जो हमें कुछ चार्जेस अभी टैक्सेस जो है पे करने पड़ेंगे। अगर आप रिचार्ज करते हो पेटीएम से या फिर फोन पे से तो आप सभी को पता होगा वहां पे हमें 3-4-5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो ये सारा पैसा जो है ये UPI एप्लीकेशंस रखती है। सेकंड रीजन जो यहाँ पे फ्यूचर प्रोटेक्शन। अब जितनी भी कंपनीज के पास आज के टाइम पे प्रेजेंट एक्टिव यूजर्स हैं तो यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा फायदा होता है, जो भी प्रोडक्ट लेंगे, जो भी मर्चेंडाइज लेगी वो जो है यहाँ पे यूजर्स के बीच में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेटीएम की बात करता हूँ तो अगर पेटीएम स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करता, कैशबैक नहीं देता, तो वहां पे उन पे कम यूजर्स होते हैं। वो अचानक से अगर पेटीएम बॉक्स लाते 50 रुपए प्राप्त हुए या फिर कुछ भी अलग अलग चीजें लाते QR वाला, तो वहां पे उनको कौन ही सपोर्ट करता, कौन खरीदता। ऑफकोर्स पेटीएम के पास जो है उस टाइम पे एक अच्छी खासी यूजर्स थे, नो डाउट आज भी अच्छे यूजर्स हैं, तो यहाँ पे जो है उनका वो पेटीएम जो बॉक्स मॉड्यूल है, जो पेमेंट मॉड्यूल है, बहुत ज्यादा जो है काम करा। तो ये जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए काफी ज्यादा काम करते हैं। पेटीएम, फोन पे आप जो है इंश्योरेंस कर पाते हो, डीमेट अकाउंट खोल पाते हो, तो ये लोन्स ले पाते हो, तो ये सारे फायदा इन सारी एप्लीकेशन को भी होता है, तो इनसे कहीं ना कहीं कुछ परसेंट जो हमें मिलता रहता है। थर्ड एंड आखिरी रीजन जो है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ये बात बहुत डीपली सोची कि मैं अपने फ्रेंड्स को जो है रेफर कर देता हूँ जो भी एप्लीकेशंस होती है एंड जो भी अर्निंग मिलती है हमें, इनसे जो है इन एप्लीकेशंस को क्या प्रॉफिट होता होगा। अब हमें जो है सीधे सीधे 100, 200, 300, 500 रुपए मिल जाते हैं रेफर करने से, लेकिन एक्चुअली इन एप्लीकेशंस को एक एक्टिव यूजर मिलते हैं। अब एक्टिव यूजर जो है वो पता नहीं कैसा हो सकता है, क्या पता वो छोटी पेमेंट करे, क्या पता वो बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट्स करे, तो यहाँ पे जो है इनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। एंड एक्टिव यूजर से ये भी है कि इनके पास डेटा भी चले जाता है, जिससे जो वो और ज्यादा देख पाते हैं कि यूजर कैसे होते हैं, क्या बिहेवियर है, उन्हें के साथ साथ इनको और भी काफी ज्यादा फायदा होता है जो एक पर्टिकुलर यूजर से होता है। हम जो सिर्फ सिर्फ एक रेफर करके लिंक देते हैं, लेकिन हम एक तरीके से उनका फ्री प्रमोशन कर रहे हैं। एप्लीकेशंस को या फिर कंपनीज को जो है बहुत ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों मैंने आप सभी को बताया क्यों जो हमें ये सारी एप्लीकेशंस कैशबैक देती है एंड कैसे जो है ये जनरेट करती है इनसे रेवेन्यू। आप लोग बताना कैसे लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में। इतना था वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसी वीडियो से आप चैनल पर आते रहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।